सभी को टेक संडे की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 8787। कोड है सवाल नंबर 1 का आता है, ABC के वर्तमान आयु का योगफल 90 वर्ष है। ABC है, तीन आदमी है, तीनों का योगफल 90 वर्ष है, A+B+C। तीनों का योगफल 90 वर्ष हो गया। उसके बाद कहता है 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, यानी 6 वर्ष पहले ABC की आयु का अनुपात 1:2:3 था 6 साल पूर्व। तो नियम कहता है कि जब ये अनुपात बुलाएगा तब ये चलना पड़ेगा। 6 साल पूर्व जाना है मतलब 6 घटना पड़ेगा, एक आदमी के लिए 6 घटेगा, तीन आदमी के लिए 18 घटेगा। तो तीन आदमी के लिए 18 इसमें घटा देंगे, 6 वर्ष पूर्व चलाएगा योगफल, तो 18 घट गया इसमें, या 10 में से 8 गया 2, यहाँ बच गया 8, 8 में से 1 गया 7, यानी 72। 6 साल पूर्व यह 72 योगफल था, तो 6 साल पूर्व 72 हो गया तीनों के योगफल। 3 × 2 = 5 = 6, 6 कलम का दाम 72 रुपये, 1 कलम का दाम 12 रुपये। आपको आंसर पूछा जा रहा है, तो बताइए सी की वर्तमान आयु क्या है। तो सी का वैल्यू कितना, 3, 3 कलम का दाम 12 × 3 = 36 रुपये हो जाएगा। लेकिन ये 6 साल पूर्व है, वर्तमान जाने के लिए 6 जोड़ना पड़ेगा, ये 42 ईयर होगा, यही आंसर होगा, 42 साल आंसर हो गया, 42 साल। समझ में आ गया। चलिए सवाल नंबर 2 पर आते हैं, 2 नंबर सवाल समझते हैं। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 कहता है, ये पार्टनरशिप का सवाल है। पार्टनरशिप में कहता है ABC ने एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000 रुपये और 72,000 रुपये लगाकर खोली। तीन आदमी है, ABC है, सवाल नंबर 2, ABC तीन आदमी है और इसने 27,000 को 27 लिखते पार्टनरशिप में, और 81,000 को 81 और 72,000 को 72। पार्टनरशिप में 1,000 को छोड़ सकते हैं आप, ये लिख दिया। अब लिखने के बाद लगाकर एक दुकान खोली, अंत में तीनों के लाभ को बांटा गया। यदि एक का लाभांश का अंश 36,000 रुपये, यानी एक को 36,000 रुपये मिले। अगर कटाना चाहते हैं तो कटा लीजिए, ये कट सकता है कितना, 9 से कट सकते हैं, 9 × 3 = 27, 9 × 9 = 81, 9 × 8 = 72। एक का लाभ के रूप में 36,000 रुपया मिला है, यानी तीन कलम का दाम 36,000 रुपया, एक कलम का दाम 12,000 रुपया। तो आंसर चाहिए हमको, कुल लाभांश क्या है, एक में 12,000 हो गया, तो टोटल यहाँ पर कितना है, टोटल 9 × 3 = 12, 12 × 8 = 20, तो 20 कलम का दाम वैल्यू 20 से गुना कर लेते हैं, ये 24/4 = 0 हो जाएगा। बस ये आंसर हो गया, ये उत्तर हो जाएगा, 24/4 = 0। आंसर नहीं मिला इसका, तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं। सवाल कहा ABC ने एक दुकान में 27,000, 81,000 रुपया और 72,000 रुपया लगाकर खोले, ठीक है। साल के अंत में लाभ तीनों को बांटा गया, यदि एक का लाभ का अंश 36,000 रुपये, एक का लाभ यहाँ 36,000 रुपया है, 9 से काट दिए, 9 × 3 = 27, 9 × 81 = 9 × 8 = 72, एक का लाभांश 37,000, यानी 3 × 36,000, 1 × 12,000, तो कुल लाभ रहा होगा, कुल लाभ, कुल का मतलब सबका जोड़ होता है, तो सबका जोड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक में आपका आ गया कितना, एक में आपका आ गया 12,000, तो एक में आ गया 12,000, तो टोटल यहाँ पर कितना, 9 × 3 = 12, 12 × 8 = 20, 20 कलम का दाम, तो 20 से गुना कर लिए, तो 12 × 2 = 24, 2,40,000, बिल्कुल सही है, यही आंसर होगा, ये उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 पर आते हैं, 3 को समझते हैं। सवाल 3 पर आइए, सवाल नंबर 3 यहाँ पर कहा था, तीन भागीदार व्यवसाय में क्रमशः, तीन भागीदार है व्यवसाय में क्रमशः 2,000, 2,500 और 1,000 रुपये लगाता है, तीन भागीदार है, ABC लिख लेते हैं। तो सवाल नंबर 3 का आता है, ABC लिखने के बाद यहाँ पर तीन भागीदार है और ये 2,000 को यहाँ 20 लिख सकते हैं, डबल जीरो खत्म कर देते हैं, 2,500 को 25 लिख दिए, अब यहाँ पर 1,000 को 10 लिख दिए। अब उसके बाद कहता है यहाँ पर कि लाभ 880 रुपया है, यानी टोटल लाभ 880 रुपया कटेगा, कटा सकते हैं 5×20 = 25, 5×10 टोटल लाभ 880 रुपया है, तो यहाँ पर आप टोटल कर लिए, 5×4 = 9, 9×2 = 11, तो 11 आ गया, तो 11 में आपका 880, तो एक में कितना हो जाएगा, 80 हो गया। तो आंसर पूछा जा रहा है आपका कि तो तीनों का अंतिम भागीदार को कितना लाभ मिला, अंतिम भागीदार कितना है, 2, तो एक कलम का दाम 2 रुपया, तो 2 कलम का दाम 160 रुपया, 2 से गुना हो जाएगा, 160 रुपया आंसर हो जाएगा, ये उत्तर है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सवाल आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 पर आते हैं, 4 को देखिए, 4 नंबर सवाल, सवाल नंबर 4 कहता है, किसी पूंजी के साथ ABC साझेदार था, ABC तीन आदमी है, तीनों का नाम लिख दिया, साझेदार था, जिसमें एक का अंशदान 10,000 रुपया, 10,000 को 10 लिखते हैं, यदि
1000 रुपये के कुल लाभ में से एक को 500 रुपया मिला, 1000 टोटल लाभ हुआ, ए 500 रुपया ले लिया। अब उसके बाद बोलता है बी को 300 रुपया मिलता, बी को 300 रुपया डाल दिए, अब इसको 200 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि टोटल 1000 है, 5 × 3 = 8, 8 × 2 = 10, 1000 हो गया। तो सी की पूंजी क्या था, सी की पूंजी आप देखिए, तो यहाँ पर सी की पूंजी आप सोच सकते हैं, सी की पूंजी यहाँ 10000 आप लिखना चाहते लिख सकते हैं क्योंकि किसी का वैल्यू नहीं दिया। तो यहाँ पर 10000 रुपया लगाया तो 500 रुपया इसको फ़ायदा होता है, तो 200 रुपया फ़ायदा होने के लिए कितना रुपया चाहिए सोचिए। तो 500 रुपया का फ़ायदा होता है कब, जब वो 10000 रुपया निवेश करता है, जिसको पता कारण उसको दाहिना साइड लिखते हैं। तो 1 रुपया लाभ होगा कब, जब 10000/500 होगा। तो यहाँ कहता है 200 रुपया लाभ होगा तब कितना पूंजी लगेगा, 200 रुपया हम निकाल लीजिए आप, 200 रुपया हम निकालेंगे, तो 200 रुपया में निकालने पर ये आपका वैल्यू हो जाएगा 200 से गुणा कर लेते हैं। अब इसको हल करते हैं, ये जीरो खत्म हो गया, इसको काट सकते हैं यहाँ पर, 2 जीरो खत्म हो गया, 20 बार में कट गया, यानी 2 × 2 = 4, 4000 ये आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, 200 रुपया होगा, तो 4000 रुपया वो लगाएगा, आंसर हो गया 4000। लेकिन आपको इस तरह के सवाल को बनाने के लिए तुरंत बनाना पड़ेगा, आप इसका इस प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करना, तुरंत सोच लेना जिसका वैल्यू उससे बाहर। यहाँ 10000 रुपया यहाँ पर होता है, जब 500 रुपया लगाता है तो 10000 रुपया होता है, यानी 10000 वैल्यू है 500 का। और जिसको पता करना है यानी 200 होगा तो कितना रुपया होना चाहिए, बस एक लाइन लिखिएगा 4000 आंसर हो गया, इसी को हल करना, आंसर 4000 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 पर आइए, 5 क्वेश्चन, एक दो बार इसको देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 5 यहाँ पर कहता है, सवाल नंबर 5, 5 नंबर सवाल यहाँ कहता है, यदि 30 और 34 वर्ष के दो व्यक्ति के स्थान पर दो नए व्यक्ति समूह में सम्मिलित हो जाता है तो 8 व्यक्तियों के उस समूह का औसत आय 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तब दोनों नए व्यक्ति की औसत उम्र क्या है। ध्यान दीजिए, सवाल कहता है 30 और 34 वर्ष दो व्यक्ति के स्थान पर, मतलब इसको हम भगा देते हैं तो टोटल भागा कितना 64, इसके स्थान पर दो नए समूह में सम्मिलित हो जाता था, 8 व्यक्ति टोटल था, 8 व्यक्ति में से 64 को भगाते हैं, उसके स्थान पर दूसरे को लाते 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो 3 की वृद्धि होगा तो 8 + 3 = 24 की वृद्धि होगा, बस 24 इसमें जोड़ लीजिएगा, 24 की वृद्धि होगा, ये 8 हो गया, ये आपका 8 हो गया, 88, यानी टोटल 88 हो गया, यानी नया सदस्य का उम्र का योगफल 88 हो गया। तब हमको कहता है दो नए सदस्य की आयु का औसत क्या है, औसत बराबर योग बटा संख्या, 2 को है 2 से डिवाइड करेंगे, 44 आपका आंसर हो गया, ये उत्तर होगा। जो पढ़े हुए हैं उसको पकड़ में अच्छे से आ जाएगा, जो नहीं पढ़े थोड़ा तकलीफ होगा, टेंशन मत लेना, जब प्रोसेस पढ़ लीजिएगा क्लास में फिर दिक्कत आपको कभी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है 6 नंबर सवाल ये पर यहाँ कह रहा है, एक नाव में 55 केजी के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी को लाने पर 12 कर्मी, यानी टोटल 12 कर्मी था, यानी 55 केजी वाला को हम भगाते हैं, इसके स्थान पर दूसरा को लाते हैं, तो औसत में 1/3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी 1/3, जैसे 3 की वृद्धि हो गया तो 8 + 3 = 24 गुना कर लिए, उसी तरह 1/3 की वृद्धि हो गया तो 1/3 इसमें सटा लेंगे, यानी 4 वर्ष की वृद्धि, यानी 4 केजी की वृद्धि हो जाएगा, बस इसमें 4 जोड़ लेना है, तब ये टोटल कितना होगा 59। तब सवाल आपको पूछा जा रहा है, तो बताइए कि नए कर्मी का भार क्या है, तो नए कर्मी का भार 59 kg आंसर होगा, इसी तरह तो बनाना आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर 7 पढ़ाइए, सवाल नंबर 7, 7 नंबर सवाल कहता है 38 विद्यार्थियों का औसत 14 वर्ष है, 38 विद्यार्थी, 7 नंबर कहता है 38 विद्यार्थी का औसत 14 वर्ष है, ये संख्या हो गया और यहाँ पर औसत हो गया, 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, उसके स्थान उनके साथ एक शिक्षक की आयु को सम्मिलित किया जाए, यानी एक शिक्षक आ गया तो 39 होगा, शिक्षक की आयु को सम्मिलित किया जाए तो 14 वर्ष 4 महीना हो जाता है, यानी वहाँ पर कहा जाता है कि 14 वर्ष 4 महीना हो जाता है, अब 14 वर्ष 4 माह हो गया, 4 माह हो गया, तब कहता है, तब बताइए कि शिक्षक की आयु क्या है। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, शिक्षक की आयु या समूह में सम्मिलित सदस्यों की आयु ज्ञात करने के लिए बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि जितना का यहाँ पर 14 है तो 14 लिख दीजिए, औसत जो है वो 14 लिख लिए, 14 से 4 महीना बढ़ गया, तो 4 महीना बढ़ गया तो यहाँ पर नया कितना आ गया,
14 वर्ष 4 महीना। नया औसत जो है उसको लिख लेते हैं 14 वर्ष 4 महीने, गुणा करके भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। यानी नया औसत अब उसके बाद जितना महीना बढ़ा, 14 था तो 4 महीना बढ़ा, तो 4 महीना 38 सदस्यों की औसत आयु में बढ़ा दिए, तो 38 सदस्यों की औसत आयु में 4 महीना बढ़ा देते हैं, यानी 38 गुना 4 हो गया, यानी इतना महीना यहाँ पर हो जाएगा। बस यही नया शिक्षक की आयु हो जाएगा, इसी को हल करना है, आपका आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना। अब हल कीजिए आप, 14 वर्ष ही हो गया, 14 वर्ष, अब 4 माह यहाँ पर, अब ये टोटल कितना होगा? इसको वर्ष बनाने के लिए आप क्या करेंगे, वर्ष बनाने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, तब तो वर्ष होगा। 12 से डिवाइड कर लिए, तो 12 से डिवाइड करने के लिए इसको 3 बार में काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 बार में काट लिए, तो यहाँ पर 3 से, अब 3 से डिवाइड होगा, 3 एकाही 3 8 हो गया, 3 दूना 6, यानी 12 वर्ष आ गया, यानी 12 3 36 हो गया, तो 12 3 36 हो गया, 12 वर्ष 2 महीना हो जाएगा। अब टोटल यहाँ पर 14 12 आपका कितना हो जाएगा, 26, यानी 26 वर्ष, वर्ष में वर्ष जोड़ लिए, 4 महीना और 2 महीना, तो 4 महीना और 2 महीना को 6 महीना कह सकते हैं, यानी 26 वर्ष 6 माह, वही उत्तर होगा, यही आंसर होगा, 26 वर्ष 6 माह नहीं है, 26.5 वर्ष होना चाहिए, लेकिन नहीं रहने के कारण आपका 27 वर्ष आपका आंसर होगा, यह उत्तर हो जाएगा, समझ गए। 26 वर्ष आपका 6 माह होगा, लेकिन नहीं है तो आपका 27 वर्ष समझ लिया। 13 सवाल है, थोड़ा डिजिट को देखिएगा ध्यान से, तब फिर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल का था, दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ा दिया गया और खपत में 20% कम हो गया। कर 20% बढ़ गया और खपत 20% कम हो गया, यह प्लस हुआ या माइनस हुआ? आपको बताए थे एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, सिर्फ डिजिट का गुना कर लिए, 2 दुना 4, तो 4% की कमी हो जाएगा, ये उत्तर हो गया। हर हमेशा कमी होगा, जैसे 30 वृद्धि 30 कमी, 3 या 9% की कमी, बस ये काम करना है और कुछ करना नहीं है, तुरंत आंसर हो गया। आप बना सकते हैं 20% वृद्धि के 120 कर लिए और 20% कमी को क्या कर सकते हैं, 80 वर्ष हो, यह जीरो खत्म हो गए, 96 वर्ष हो, 96 वर्ष हो को लिख सकते हैं 4% कमी, बस ये उत्तर हो गया, ये आंसर 4% कमी। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल की ओर आते हैं, सवाल नंबर 9 नंबर, वही सवाल कहता है 20% वृद्धि और 20% कमी, तो 4% कमी ये भी हो जाएगा, इसका भी आंसर 4 होगा। सवाल 10 वही कहता है, किसी व्यक्ति के वेतन में 20% वृद्धि और 20% कमी, तो 4% कमी आंसर हो गया, इसका भी होगा। 11 नंबर कहता है 50% एक घन के प्रत्येक सिरा में 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके सतह का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, 50% बढ़ा दिया जाए तो 50% बढ़ाना मतलब 150 हो गया, 150 वर्ष हो, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि ये 6 का प्रयोग तो होगा नहीं, ये कॉन्स्टेंट राशि है, तो 2 बार लिख दिए 150 गुना 150, या 0 0 यह खत्म होगा, 225 वर्ष हो तो 100 से ज़्यादा कितना है, 125% की वृद्धि हो जाएगा, या आपके दिमाग में है कि 50% वृद्धि, 50 प्लस 50 100 हो जाएगा, 50 का 50%, बस यही काम करते हैं ना, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इससे 50 50 100 125 आपका आंसर हो, ऐसे बना सकते हैं, मने मन बना सकते हैं 50 50 100 50 का 50%, आपका 25 होगा यानी 125 हो जाएगा, ये सारा चीज़ हम क्लास में सिखा चुके हैं, तो आपका आंसर 125 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12, एक वर्ग की लंबाई में 30% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% कमी की गई तो उसका उस आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा, तो आयत बन गया, तो यहाँ पर देखिए 12 नंबर सवाल, तो सवाल यहाँ पर कहा है कि 30% और 20% वृद्धि किया गया, दोनों वृद्धि है, 30% प्लस 20% प्लस, तो 30 20 कितना 50, 3 दुना 6, तो यानी 56% की वृद्धि होगा, बस ये उत्तर होगा 56% की वृद्धि आंसर होगा, ये सारी चीज़ बता चुके हैं, या आप कर सकते हैं 130 वर्ष 100 प्लस 120 वर्ष 100, सारी चीज़ तो बता चुके हैं, 30 20 50 3 दुना 6 यानी 56, या ऐसे हमको लिखने के लिए सिखाए 30 प्लस 20 प्लस 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 होता है, अब 30 का 20% आप निकालिए, यह 6 होता है, यह 56 हो जाए, माने मैंने करने के लिए बोले थे 30 20 50 हो गया, 3 दुना 6 56 आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर आपका 12 हो चुका है, 13, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि किया जाए तो उसके क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर आपको पता है क्षेत्रफल,
तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई से मतलब नहीं, इसमें यानी दो बार बढ़ाना है, तो दो बार बढ़ाना कितना कितना बढ़ाना है, तो सवाल बोला 50% बढ़ाना है, तो 50 दो बार बढ़ेगा, 50 प्लस 50, 50 का 50% कर लीजिए, तो 125 आपका आंसर हो जाएगा, जीरो ये 100 हो जाएगा और यहाँ पर ये 25 होगा, 125 उत्तर होगा, ये उत्तर होगा, ये आंसर होगा 125, या 150 बढ़े 150, अभी जैसे किए हैं वैसे भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 14, एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% वृद्धि किया जाए तो क्षेत्रफल में क्या होगा, 12% वृद्धि और यहाँ पर 10% वृद्धि, तो आप बनाइए इसको, सवाल नंबर 14, 12% वृद्धि, 12 प्लस और यहाँ पर 10% की वृद्धि, तो 10% की वृद्धि कर दिए, 12 प्लस 10 22 डायरेक्ट हो जाएगा और 12 का 10% निकाल दिए, बस इतने वृद्धि होगा, 0 0 खत्म हो जाएगा, ये 22 हो गया, प्लस 1.2 हो जाएगा, ये 23.2, बस ये उत्तर होगा 23.2 वृद्धि आंसर होगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं, 12% वृद्धि के 112 बटे 100, 10% वृद्धि के 110 बटे 100, लेकिन इससे कहीं फ़ायदा है ये, इसको हल करेंगे, इसको 0 0 काट सकते हैं, अब 112 गुणा 11 करेंगे, बस उसके बाद पॉइंट डाल दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, इसको हल करेंगे 123 बटा 100 आएगा, तो 100 से ज़्यादा यहाँ पर 23.2 आया, 23.2 है, लेकिन इसको कर दीजिएगा आराम से, 12 10 22 हो गया, 12 का 10% 1.2 आ जाएगा, 23.2 आंसर हो गया। आगे बढ़िएगा, अगले सवाल पढ़ाते हैं, सवाल में आपका कहता है यहाँ पर सवाल नंबर 15 नंबर सवाल कहता है, एक वृत्त की परिधि में 50% कम कर दिया गया तो उसे क्षेत्रफल में क्या होगा, क्षेत्रफल पार स्क्वायर, परिधि रहे त्रिज्या रहे व्यास रहे तो आपको त्रिज्या में ही करना, तो 50% या कम कर दिया गया, 50% कम, तो 50% कम कर दिया तो माइनस हो गया, तो 50 बटा 100, इसको भी 50 बटा 100 लिख सकते हैं, 0 0 ये कट गया, ये 25 बटा 100, तो 25 बटा 100 आ गया, तो आप देखिए कि कितना कम गया, तो कितना कम गया तो आप सोचेंगे कि 75 कम गया, तो 75% की कमी, बस यही आंसर हो, 75% कमी, यही आंसर हो गया, 75% की कमी। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर अगला है, यदि किसी घन के प्रत्येक सिरा में, अभी तुरंत बोले थे 150, सेम सवाल है, अगला सवाल पूछता है कि एक्स है तो कौन सी आकृति बनाया जा सकता है, सोचिए डी नंबर, त्रिभुज आपका दो प्रकार से, सवाल नंबर 17 पर देखिए, डी नंबर आपका आंसर होगा, सवाल नंबर इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए त्रिभुज दिया, दो त्रिभुज दिया, तो दो त्रिभुज आपका डी नंबर में इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से त्रिभुज बना हुआ है, दो त्रिभुज हो गए, अब उसके बाद यहाँ पर आपका इससे तो हम आप बना सकते हैं, यह वर्ग बन सकता है, आयत बन सकता है, इसके अलावा किसी दूसरे में नहीं मिल सकता, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल 18 पर कहता है, वाट के स्थान पर क्या होगा, वाट के स्थान पर क्या होगा, ध्यान दीजिए सवाल नंबर 18 को, 18 में सवाल देखिए आप, सवाल यहाँ पर है ऐसे ऐसे है स्टार है, और दूसरा में स्टार है, फिर ऐसे, फिर तीसरा में ऐसे होगा, यानी कहने का मतलब डबल सर्किल था तो सिंगल सर्किल, फिर सर्किल खत्म हो गया, सर्किल को ख़त्म करना, फिर उसी तरह यहाँ से ऐसे है, तो एक वर्ग खत्म, फिर दूसरा में दूसरा वर्ग खत्म, सिर्फ पॉइंट आ गया, फिर तीसरा आपका इस प्रकार से है, तीसरा दो त्रिभुज है उसके अंदर ये आपका स्क्वायर है, तो एक त्रिभुज खत्म हो गया, फिर स्क्वायर बच गया, यानी ये भी त्रिभुज खत्म होगा, सिर्फ स्क्वायर बचेगा, ये उत्तर आंसर हो गया। चले आगे बढ़िएगा, अगला सवाल पढ़ाते हैं, सवाल नंबर 19 को समझते हैं, 19 नंबर सवाल कहता है, एक परिवार में 4 सदस्य दीपक अजय शुभम और ललिता ताश का एक खेल ब्रिज खेल रहे हैं, उसके बाद कहता है दीपक का मुंह दक्षिण की ओर, आपको पता होना चाहिए कि इस तरफ वाले को पूर्व कहते हैं, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, ऐसे बोल, तो सवाल यहाँ पर बोला जा रहा है कि दीपक का मुंह दक्षिण की ओर, तो दक्षिण नीचे है तो दीपक ऊपर बैठेगा तब तो दक्षिण की ओर होगा, इसका मतलब दीपक यहाँ पर बैठेगा, उसके आगे बोला कि शुभम का मुंह पूरब की ओर, पूरब उस तरफ है तो इस ऐसे बैठा दिए तो शुभम यहाँ पर बैठ जाएगा, तो इस तरफ से पूरब की तरफ देखेगा, उसके बाद कहता ललिता का मुंह पश्चिम की ओर, पश्चिम इस तरफ है तो ललिता इस तरफ बैठेगा, तो एक आदमी अजय बच गया, अजय को बलजोबड़ी यहाँ बैठा सकते हैं, अजय यहाँ हो गया, अजय बैठ गया, तब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आपस में जोड़ीदार है, तो जोड़ीदार शुभम और ललिता है,
शुभम और दीपक तो नहीं होगा, दीपक और रीता नहीं होगा, अजय और शुभम तो अजय और शुभम भी नहीं होगा, अजय और ललिता, अजय ललिता भी नहीं होगा, तो शुभम और ललिता जोड़ीदार है, यही उत्तर होगा। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन अनावश्यक है? तो चार नंबर जो बोला अजय ललिता के बाईं तरफ है, अजय ललिता के बाईं तरफ है, तो इसको बोलना कोई ज़रूरी था क्या? कोई ज़रूरी नहीं था। इस कारण से चार पाँच नंबर ये बेकार का चीज़ है, पाँच नंबर का बिना प्रयोग किए हुए आंसर ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए पाँच नंबर अनावश्यक है। सवाल नंबर आते हैं अगले पर, 22 नंबर पाते हैं, 22 को समझते हैं। सारा सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। सवाल कहता ए बी सी डी ई एफ छः आदमी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। सवाल नंबर 22, छः आदमी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए। उसमें कहता है कि ई डी के बाईं ओर, ई डी के बाईं ओर, आपको पता है कि बाईं ओर है ई डी के बाईं ओर, तो ई जो है डी के बाईं ओर, तो डी यहाँ पर बैठेगा तो इसका बायां तरफ, बायां तरफ उधर होता है जिधर घड़ी चलता है, तो बायां तरफ इस तरफ होगा ई डी के बाईं ओर। यह सिटिंग अरेंजमेंट का उल्टा है, सिटिंग अरेंजमेंट में जिधर घड़ी चले उसको दाहिना कहते हैं, सॉरी ये डायरेक्शन में, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट कहता है जिधर घड़ी चले वो बायां होगा, जिधर घड़ी नहीं चले वो दाहिना होगा, उल्टा काम होता है। उसके बाद बोलता है सी ए और बी के बीच में, सी ए और बी के बीच में, तो इसको अभी कुछ नहीं करना, बगल में खींच लिया। उसके आगे कहा एफ ई और ए के बीच में, एफ के बारे में बोला, ई और ए के बीच में है, यहाँ पर एफ के बारे में बोला, तो एफ के बारे में बोला ई और ए के बीच में, तो चलिए हम एफ के बारे में आते हैं, एफ ई और ए के बीच में तो बनाते हैं, एफ ई और ए के बीच में कोई दिक्कत नहीं, बीच में हम लिख दिए। उसके बाद बोलता है सी ए के ठीक दाईं ओर, सी के ठीक दाईं ओर कौन है? देखिए अब देखिए जो बच गया आपका, तो बच गया ई के बगल में एफ, एफ के बगल में ए, ए के बगल में सी, सी के बगल में बी, सब बैठ गया। अब आंसर पूछा जा रहा है सी के ठीक दाईं ओर कौन है? सी के दाहिना तरफ, सी का दाहिना इस तरफ होगा, सी के दाहिना तरफ ए, जिधर घड़ी नहीं चलेगा सी के दाहिना तरफ ए आंसर हो जाएगा 22 का। उसके आगे बोला बी के बाईं तरफ कौन है? तो बी, तो बी का बाएं तरफ ये है डी, तो बी के बाएं तरफ डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनावश्यक है? अनावश्यक यहाँ पर बोला कौन सा कथन अनावश्यक है, तो यहाँ सब कथन आवश्यक है, सब की जरूरत है, सब बना लिए, कोई भी कथन अनावश्यक नहीं है, सब की जरूरी है। अगला सवाल आइए, सवाल नंबर 24 पर आते, 24 हो गया 25 पर आते हैं। 25 नंबर कहता है गौतम, जी ए यू टी एम, 25 नंबर सवाल पर आइएगा, 25 नंबर सवाल, जी ए यू टी एम, इसका मतलब लिखा गया टी जेड एफ जी जेड एम। देखिए जी को उल्टा टी, ए को उल्टा जेड, यू को उल्टा एफ, टी को उल्टा, यहाँ पर ए को उल्टा जेड, उसका एम को उल्टा एन, सारे को उल्टा है, तो उसी तरह इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर क्या आता है, सब एक दूसरे का उल्टा है। उसी तरह आगे सवाल पर आते हैं 26 पर, आंसर इसका आपसे चाहिए, आंसर क्या बनता है? अगला सवाल सिर्फ फिर यहाँ पर कहा 26 नंबर, बी ए एन के, इसको लिखा गया जेड वाई एम पी, ये लिखा गया। देखिए ये दोनों एक दूसरे का उल्टा कर दिया है, ए का उल्टा जेड लिखा, फिर बी को उल्टा वाई, यहाँ पर देखिए के को, यहाँ पर एन, एन का उल्टा एम, के को उल्टा पी, ये ठीक ठाक रहा है, ये तो उसी प्रकार से हमको लिखना है यहाँ पर लॉक, एल ओ सी के, लॉक को क्या लिखिएगा, ये दोनों को उल्टा दिए, ओ को उल्टा एल और एल को उल्टा एम, एल को उल्टा यहाँ पर ओ हो जाएगा, ऐसे लिख दिए। उसके बाद फिर आगे यहाँ पर दोनों ठीक ठाक है, एम को उल्टा एन और एन को उल्टा एम ठीक ठाक है, सी को उल्टा एक्स और के को उल्टा पी, एल ओ एक्स पी, एल ओ एक्स पी ऑप्शन नंबर 3 है, 3 आंसर हो गए। चलिए आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर 27 पर आते हैं, ए बी डी एच जेड वाई डब्ल्यू एस, ए को उल्टा जेड, बी को उल्टा वाई, डी को उल्टा डब्ल्यू, एच को उल्टा एस, सब एक दूसरे को उल्टा उल्टा बना लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल में 28, एक सवाल हम बनाते हैं, सारे सवाल आपसे बनना चाहिए। सवाल 28 नंबर सवाल को देखिएगा, 28 नंबर कहता क्या है, ये कई बार आपको बताया जा रहा है, के ई एन पी ए टी आई, कि इसका अर्थ है बी आर ई एफ
GOODMORNIN से। यह सवाल गड़बड़ दिया है क्योंकि इधर देखिए आपका दो दिया है, यहाँ पर चार लिख दिया है, चार लिख दिया, यह गड़बड़ है। इस कारण से ये इसका आंसर नहीं निकलेगा, अगर निकलेगा तो गलत निकल जाएगा क्योंकि जितना इधर दिया है उतना इस तरफ भी होना चाहिए, एक छूट गया इसमें। 29 को देखते हैं, 29 नंबर सवाल का था DOMPULTA वेरिंग हॉट फुल फूड इज गुड। देखिए इसमें तो आपका थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया कि सीरियल लिखा नहीं है, बनाने के लिए तो हम समझा देते हैं कि जो नहीं मिले, जो एक जगह मिले तो उसका आंसर वही होगा जो कहीं नहीं होगा। ऐसे बनाने की इसका बना सकते हैं, यह डिजिट ये जो लिखा गया है यह लैंग्वेज गड़बड़ है, इस कारण से ऐसे आप आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा सही करके आंसर दीजिएगा, आंसर क्या होता है। चलिए सवाल नंबर 30 पर आते हैं, 30 से हमारे कहता किसी बिंदु से मैं 35 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, दक्षिण नीचे 35 किलोमीटर चला और फिर बाईं ओर मुड़ गया, तो बाईं ओर इस तरफ होता है, इस तरफ मुड़ गया और 70 किलोमीटर गया, 70 लिख दिया, अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 35 किलोमीटर ऊपर चल दिए, तब कहता है तो बताइए कि मैं अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर हूँ, कितनी दूर है, 17 हो गया, किधर है, पूर्व दिशा की ओर, 17 पूर्व, यही आंसर होगा। अगला सवाल नंबर 32 पर आते हैं, 32 पर आइए, सवाल नंबर 32 ऐसा सवाल तो बनना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का, उत्तर ऊपर चलाता हुआ एक लड़का बाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर गया, बाईं ओर मुड़ा तो बाईं ओर इस तरफ 1 किलोमीटर गया, उसके बाद कहता है साइकिल उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का बाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर गया, ठीक है कोई बात नहीं, बाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर गया, थोड़ा सा इसमें कुछ छोटा हुआ है, देखिए ध्यान से फिर से रिपीट कर देते हैं। उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ एक लड़का बाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर की दूरी तय किया, उसके पश्चात वह फिर बाईं ओर मुड़ा 2 किलोमीटर की दूरी तय किया, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर खड़ा है, तो बताइए कि प्रारंभ में वह कुल कितनी दूरी, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है सवाल यहाँ पर कहा एक लड़का उत्तर की ओर गया और बाईं ओर मुड़ गया 1 किलोमीटर गया, ठीक है कोई बात नहीं, उसके पश्चात वह फिर बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर मुड़ा तो बाईं ओर किधर, ऊपर होगा, बाईं ओर ऊपर हो गया, तो यहाँ से ये चला इधर दहना इधर बाया, तो ऊपर चल गया और 2 किलोमीटर गया, तो 2 यहाँ डाल दिए, उसका अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, तो 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, तो पश्चिम आपका इधर होता है, पश्चिम आपका इधर होता है, इधर लिखिए 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, ठीक है यहाँ डाल दिए, पश्चिम की ओर खड़ा है, तो बताइए कि वह प्रारंभ में उत्तर की ओर कितना दूर चला। देखिए सवाल कुछ ये गड़बड़ बुझा रही है, सेटिंग नहीं हो रहा है, प्रारंभिक स्थान से उत्तर, फिर से एक बार डायग्राम हम खींच लेते हैं, सवाल 32 से एक बार फिर से बनाते हैं, देखिए ध्यान से, उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता हुआ लड़का, उत्तर ऊपर हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, उसके बाद कहता है बाईं और मुड़ा और 1 किलोमीटर गया, इधर तो दाहिना होता है इधर बाएं, 1 किलोमीटर हमने चल दिया, उसका फिर बोला इसके पश्चात वह फिर बाईं ओर, अच्छा अच्छा बाईं ओर मुड़ा नहीं, यहाँ दाहिना ओर मुड़ा दिए, फिर बाईं ओर मुड़ा तो बाईं ओर नीचे आ जाएगा और 2 किलोमीटर गया, तो 2 यहाँ डाल दिए, 2 किलोमीटर गया, 2 कहीं पर खींच सकते हैं, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, ठीक है बिल्कुल सही है, यहाँ पर 2 किलोमीटर गया, यहाँ से प्रारंभिक स्थान से पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर गया, तो पश्चिम इधर हो गया 1 किलोमीटर, प्रारंभिक स्थान तो यही है ना 1 किलोमीटर पश्चिम, तो बताइए कि वो उत्तर दिशा की ओर कितना दूरी तय किया था, उत्तर 2 तय किया था, 2 आंसर होगा, एकदम बिल्कुल सही है 2, यहाँ पर हम दिशा डायरेक्शन गलत घुमा दिए थे, इस कारण से गलती हो रहा है, समझ में आ गया, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, नेक्स्ट वीडियो कल आते हैं, तब तक के लिए ठीक सेंटर जय हिंद।